हे गाइस, आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल और मैं हूं अजय शर्मा। इस वक्त जो मैं बैठा हुआ हूं, ये है नेक्सॉन का सबसे ज्यादा वैल्यू फॉर मनी मॉडल। क्यों, मैं भी आपको बताता हूं। ये वो मॉडल है जिससे नेक्सॉन की जो है LR मॉडल शुरू होता है। LR यानी लॉन्ग रेंज, जिसे कंपनी कहती है कि ये 465 किलोमीटर तक जो है जा सकती है। ठीक है, जल्दी जल्दी बात करेंगे, कुछ ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा आपका। और आप डिज़ाइन जो है इस वक्त यहाँ पे देख ही पा रहे। तो ये है नेक्सॉन का फेयरलेस LR। ठीक है, सिंगल फेयरलेस LR, जिसमें आप समझ लीजिए आपको जो है इलेक्ट्रिकल एडजस्टेबल जो है ORVMs आ जाएंगे। यहाँ पे आपको जो है पावर विंडोज़ मिल जाएंगी, चाइल्ड लॉक मिल जाएगा और चारों की चारों पावर विंडोज़ मिल जाएंगी। चार स्पीकर्स मिल जाएंगे, दो ट्वीटर्स यहाँ पे मिल जाएंगे। स्पीकर आउटपुट जो है साथ के साथ AC आउटपुट मिल जाएगा। क्रूज़ कंट्रोल नहीं आएगा यहाँ पे, जो है आप इसे यहाँ से सेटअप कर सकते हैं। और डिस्प्ले आप देख सकते हैं, बड़ी नहीं है, मतलब जो आपकी 12 इंच वाली कह सकते हैं, ये तकरीबन जो है आपको 10 इंच के करीब मिल जाएगी। काफ़ी बड़ी है, कोई दिक्कत ऐसी नहीं है। और यहाँ पे जो है 6 एयर बैग्स हर जगह आपको देखने को मिल ही जाएंगे। ठीक है, तो ईच एंड एवरी मॉडल में आपको 6 एयर बैग्स मिल जाएंगे। यहाँ पे आपको लाइट मिल रही है जो हमने इस वक्त जगा रखी है, ऐसे ऐसे करके बंद भी कर सकते हैं, ऐसे करके जगा भी सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पे जो है इलेक्ट्रिकल एडजस्टेबल नहीं आएगा, आपको खुद एडजस्ट करना पड़ेगा। चलिए एडजस्ट तो कर सकते हैं, यहाँ पे जो है कुछ नहीं। और यहाँ पे जो है आपको मिरर मिल जाएगा, ये क्योंकि इस साइड जो है आपकी मोहतरमा बैठेगी तो वो जो है ऐसे ज़रूर यूज़ करेगी। ठीक है, और कुछ टाइमर लग गया, ये पता नहीं क्या चीज़ है। यहाँ पे देख लेते हैं, यहाँ पे जो है आपका AC कंट्रोल कर सकते हैं। देखिए, ऑटोमेटिक जो है ऑटो AC भी आ जाएगा, यहाँ पे AC ऑन ऑफ हो जाएगा, यहाँ पे टेम्परेचर और यहाँ पे ब्लर की ऑप्शन आ जाएगी। इसे बंद कर देते हैं 2 मिनट। ठीक है, तो यहाँ पे बोनट ओपन कर सकते हैं, यहाँ से जो है रियर AC वगैरह यहाँ पे लिखा हुआ है। ये आती ही ऑटोमेटिक है तो आपको पता ही होगा। तो जो है कुछ इस तरह का जो है इसका, ये अभी पार्किंग में लगी हुई है, हमने पार्किंग दबाई हुई है। ठीक है, और ये ऑटो पार्किंग के साथ आता है। यहाँ पे 3 मोड आते हैं, सिटी, ईको और स्पोर्ट्स मोड। यहाँ पे कुछ रख सकते हैं। मेरे लिए सबसे जो है मुझे पसंद आया कि इसमें जो है ये आप देखिए, और हाँ, ये इसकी जो है आपकी कीज आ जाएगी, यहीं से बोनट ओपन कर सकते हैं, यहाँ से लॉक अनलॉक, यहाँ पे हेडलैम्प्स वगैरह के लिए लॉक। और यहाँ पे जो है आपको क्या मिलेगा, 12 वॉट का जो है सॉकेट मिल जाएगा। यहाँ पे टाइप ए मिल जाएगा, चार्जिंग पोर्ट और पुराने जैसे। और यहाँ पे 45 वॉट, इस वक्त फ़ोन यूज़ कर रहा हूँ ये है सैमसंग का, और ये 45 वॉट की ही चार्जिंग सपोर्ट करता है। जैसे कि आप समझ लीजिए सैमसंग के जितने बड़े फ़ोन्स हैं, एस सीरीज़ होगी और या आप कह लीजिए अल्ट्रा सीरीज़ होगी, S23 अल्ट्रा, S24 अल्ट्रा, S22 अल्ट्रा, तो उसमें जो है मैक्स टू मैक्स 45 वॉट तक की जो है आप इसमें आपको वो मिल जाएगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं कॉलिंग के लिए ऑप्शन दी गई है। म्यूज़िक यहाँ से मतलब बंद करना चाहें, म्यूट करना चाहें वो भी कर सकते हैं। वैसे जो है इस वक्त चल रहा है। ठीक है, अभी मैं इसे प्लग करके दिखाऊंगा आपको। इसे सस्ता बनाकर, स्वदेशी बनाकर, इनोवेशन को पुश करकर, स्टार्टअप को बूस्ट करकर, थैंक यू मोदी जी। डिजिटल इकोनॉमी, डिजिटल भारत, मोदी सरकार। ये तो ऐड होगी, चलिए फिर भी। और ये जो है यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये भी चीज जो है काफी अच्छी है। यहाँ पे आपको एक चीज की कमी है यार, हेडरेस्ट चाहिए था इतने, मतलब ये लगभग 18 लाख के करीब जो है ये गाड़ी पहुंच जाएगी, पर फिर भी हेडरेस्ट नहीं है तो ये चीज़ रहती है। हाँ, पर आपको यहाँ पे दे सकते हैं, जैसे कि ऑटोमेटिक में आता है कि ये आपका जो है रेस है, ये आपका जो ब्रेक है, क्लच इसमें नहीं आता, उसके लिए आपको यहाँ पे पैर रखना पड़ेगा। जूतों की वो थोड़े गंदे हुए हैं आज घूमना, बहुत कुछ जो है पैडल शिफ्टर भी मिल रहे हैं जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। ठीक है, तो ये पैडल शिफ्टर सिर्फ और ये रीजन के लिए होता है, जैसे कि यहाँ देखिए रीजन अभी 1 था, अभी 2 हो चुका है। बंद करिए, बार बार बंद करना पड़ रहा है, बार बार ऑन करना पड़ रहा है। ठीक है, देखिए ये रीजन 2 था, अभी दोबारा से इसे दबाएंगे, ये हो गया 3। ठीक है, इसे दबाने से ये 3 पे आ गया और इसे दबाने से ये 1 पे आ गया, मतलब 2 पे आ गया, ये 1 पे आ गया, अब ये हो गया ऑफ। तो 3 पे रखेंगे तो ज़्यादा बेहतर जो है आप परफॉर्म कर सकते हैं। और जैसे ही आप वैसे ईको पे स्विच करेंगे, ये ऑटोमेटिकली ये 2 पे चले जाता है। ठीक है, हेडरूम जो है काफ़ी अच्छा है, आप देख सकते हैं बहुत ज़्यादा मिल जाता है। ये विदाउट सनरूफ वाला मॉडल है, इस वजह से इसमें हेडरूम की जो है कमी कोई नहीं है, नहीं तो 3 से 4 या हाथ धड़ कई कई बार 5 इंच की तक जो है हेड आपका सनरूफ जगह घेर लेता है। इसमें सनरूफ नहीं है तो ये चीज़ जो है काफ़ी अच्छी रहती है। हेडरूम मेरी हेड जो है कम से कम है तो उस हिसाब से सही है। और यहाँ पर टेक्स्चर जो है काफ़ी ज़्यादा दिया गया है। ठीक है,
तो ये चीज़ अच्छी है। अब चलिए पीछे चलते हैं और आपको जो है दिखा देता हूँ, यहाँ पे आप एसी वेंट देख ही पा रहे हैं। चलिए पीछे चलते हैं। तो अब जो है हम पीछे बैठ चुके हैं, पीछे देख लीजिए, पीछे भी काफ़ी जो है ठीक ठाक सी आपको स्पेस मिल जाती है। यहाँ पे ट्विटर की ऑप्शन दी गई है, यहाँ पे जो है इसमें आएगा नहीं ट्विटर है भाई, इस वाले मॉडल में है। दो ट्विटर्स तो मिलेंगे यहाँ पे, पावर विंडोज़ के लिए ऑप्शन मिल जाएगी। यहाँ पे जो है लॉक लगाना चाहिए, अनलॉक करना चाहिए, वो आ गया। उसके बाद हेडरूम जो है काफ़ी अच्छा है, यहाँ पे आपको एसी वेंट भी जो है इस मॉडल में मिल रहा है, तो ये चीज़ अच्छी है। और सबसे बात 45 वॉट का जो है आपको चार्जिंग आउटलेट यहाँ पे भी मिल रहा है, मुझे ये सबसे ज़्यादा अच्छा लगा। और कुछ होल्ड करना हो तो लगभग यहाँ पे जो है कैरी बैग का निशान जो है बनाए गए हैं, तो ये भी चीज़ अच्छी है। और यहाँ पे जो है ये भी दिया गया है, एयर बैग तो भर के दिए गए, ठीक है। यहाँ पे कुछ बड़ा तो नहीं आ सकता, पर देखिए कुछ है क्या ना, मतलब छोटी सी एसेसरी वगैरह रखना चाहे तो यही ऐसी चीज़ वहाँ पर भी है, ठीक है। और ये एडजस्टेबल है, फेयरलेस में एडजस्टेबल आपको मिल जाएंगे, ये चीज़ अच्छी है। सीट की क्वालिटी अच्छी है, और मतलब कुछ ज़्यादा डिज़ाइन नहीं दिया गया पर क्वालिटी वाइज अच्छा है। और यहाँ पे ये ऑरेंज की जगह ब्लू टिंट दिया गया, यहाँ पे कोई भी गिलास वगैरह रखने की ऑप्शन नहीं है, तो ये चीज़ है। यहाँ पे भी कुछ नहीं दिया गया अभी। ये आपको पार्सल ट्रे मिल जाएगी, ये चीज़ अच्छी रहती है। और साथ के साथ यहाँ पे लाइट भी दी गई है, और 3-3 किलो के जो हैं यहाँ पे आप चीज़ें टांग सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे 3-3 किलो लिखा हुआ है, ये एक सीट के लिए। ओके, कुछ है यहाँ पे ऐसे ऐसे बंद कर देते हैं। बूट स्पेस काफ़ी अच्छा है, ठीक है। पार्सल टेप आपको जो है इस मॉडल में मिल जाएगी, और यहाँ से होल्ड करने के लिए बना गया, इसे नीचे करने की 5 GB की जो है ब्रांडिंग आपको मिल रही है। पीछे देख सकते हैं आपको जो है यहाँ पे डिज़ाइन काफ़ी कूल दिया गया, काफ़ी कूल डिज़ाइन है। और थोड़ा सा मैं आपको पीछे करके दिखा दूँ, आप देख सकते हैं, ठीक है। काफ़ी मतलब डिज़ाइन वाइज तो जो है इस बार 3.0 में काफ़ी कूल कर दिया गया। यहाँ पे पेट्रोल या डीजल नहीं डलेगा, यहाँ पे आप इसे गन को चार्ज लगाएंगे। और हाँ, टायर साइज देख लेते हैं आपके, यहाँ पे आपको जो है 16 इंच के टायर्स मिल रहे हैं, 215/60, और ये जो है 16 इंच के अलॉय आपको मिल रहे हैं, चीज़ अच्छी है। आपको एरोडायनामिक मिल रही है, और कंपनी का क्लेम है कि 5% तक जो है आपको इसमें भी फ़र्क पड़ेगा रेंज में। यहाँ पे 2024 का टाटा का लोगो, और आगे से आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको फॉग लैंप भी मिल रहे हैं, कनेक्टेड DRLs मिल रहे हैं, और यहाँ पे जो है HDA प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स और फॉग लैम्प। तो मतलब बेसिक नीड्स जो हैं वो सारी आपकी पूरी हो जाएगी फेयरलेस में। मैं आपको एक और चीज़ बता दूं, अगर आप कोई भी LR वाला मॉडल लेते हैं यानी लॉन्ग रेंज वाला, उसमें जो है आपको 7.2 किलोवाट की जो है बैटरी मिलेगी। और यहीं अगर आप MR लेते हैं तो उसमें बैटरी कह रहा हूँ, उसमें जो है आपको 7.2 किलोवाट का जो है फास्ट चार्जर मिलेगा, जिसे हम AC चार्जर कहते हैं। 50 किलोवाट तक का DC चार्जर ये सपोर्ट करता है। और अगर आप कोई MR मॉडल लेते हैं तो 3.3 किलोवाट की जो है आपको बैटरी मिलेगी। यहाँ पे कोई भी 360 कैमरा नहीं मिल रहा, पर बैक कैमरा जो है आपको मिलेगा पीछे की तरफ। और ग्राउंड क्लियरेंस की बात की जाए तो 190 mm जो है ग्राउंड क्लियरेंस मिलेगी। और अगर आप लेते हो MR मॉडल, ये LR है, MR मॉडल में जो है आपको 205 की जो है ग्राउंड क्लियरेंस मिल जाएगी, जितनी की सफारी में आती है। तो ऊपर जो है रूफ रेल्स भी मिल जाएंगे आपको। और हाँ, एक चीज़ शार्क टैंक एंटीना जो है आपको मिल रहा है, और यहाँ पे जो है आपको वाइपर भी मिल जाएगा। तो बेसिक नीड्स जैसे मैं आपको बता चुका हूँ, सारी की सारी आपकी कवर हो जाएगी। कैमरा जैसे मैंने आपको दिखाई दिया, ताड़ियाँ बज गई, कोई फ़ोन बिक गया, फ़ोन कह रहा हूँ, आपकी गाड़ी बिक गई है। तो मेरे हिसाब से ये है नेक्सॉन का सबसे ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी आपका कह लीजिए वेरियंट। पहले इसकी कीमत जो है 19 लाख के करीब थी,
अब जो है इसमें एक शोरूम इसका हो गया है 17,16,99,000 यानी 17 लाख रुपए। तो अब जो है ये सबसे ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी जो है मॉडल हो चुका है। लॉन्ग रेंज इसी से स्टार्ट होती है, इसमें सनरूफ नहीं आता, बाकी सारी चीज़ें जो है मेनली आपको मिल जाएगी। तो चलिए, इस तरह की और वीडियोज़ के लिए आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब करिए और मैं और वीडियोज़ ऐसी ही लाता रहूँगा। मिलते हैं वीडियो में ईवी की बैजिंग।